इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे किस तरीके से आप आपके रेस्टोरेंट के अंदर या फिर कैफेज के अंदर या फिर कोई भी फूड आउटलेट हो उसके अंदर आप कस्टमर के जो पेमेंट आता है वो पेमेंट आप इफिशियंट वे से प्रॉपर वे से किस तरीके से कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। देखो होता क्या है, नॉर्मली आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 21 टेबल्स। अब ये 21 टेबल्स आपको जब भी ये 21 टेबल्स फुल रहेंगे, मान लीजिए अब इस हर टेबल के ऊपर बिलिंग चल रही है, अब बिलिंग तो हो रही है पर बीच में से कस्टमर कोई कहता है कि टेबल नंबर 14 बोलता है, सर मुझे मेरा बिल लाकर दे दीजिए आप, ठीक है ना, उसकी जो भी आइटम्स थे उसके यहाँ पे पंच किए हुए, वो कहता है कि सर मुझे मेरा बिल लाकर दीजिए आप। तो मान लीजिए यहाँ पे टेबल नंबर 14 का हम लोग यहाँ पे बिल निकाल रहे हैं, अब बिल कौन निकाल रहा है, काउंटर पे बैठा हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले किसने बिल की रिक्वेस्ट की है, वहां पे कैप्टन ने की है या फिर वेटर ने कहा है कि टेबल नंबर 14 का आप बिल निकाल कर दीजिए, किसको कह रहे हो, काउंटर को, काउंटर पे जो बंदा बिल कर रहा है उसको कह रहे हैं कैप्टन या वेटर। अब वहां से जो कस्टमर ने कैप्टन को या फिर वेटर को बिल निकालने के लिए कहा है वो जाता है कहां से जाता है, टेबल से जाता है काउंटर के ऊपर, वहां से वो बिल कलेक्ट करता है, बिल कलेक्ट करने के बाद में वो अभी इस वक्त क्या होता है, बिल कलेक्ट करने के बाद में वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देता है बिल। अब कस्टमर कहता है कि सर मुझे तो पेमेंट करना है गूगल पे से, फोन पे से, अमेजोन पे से, व्हाट्सएप पे से, जो भी रहेगा पेटीएम से करना है। अब फिर से आपका वेटर क्या करता है कि सर रुकिए मैं लाता हूं आपके लिए काउंटर से क्यूआर कोड, फिर वो काउंटर पे जाता है। फिर आपका वेटर कहां से कहां जा रहा है, काउंटर पे जा रहा है। अब वो काउंटर पे जा रहा है, वहां से क्या कलेक्ट कर रहा है, वहां से आपका जो क्यूआर कोड है, ऑल इन वन क्यूआर कोड जो टेबल टॉप होता है, वो क्यूआर कोड काउंटर से लेके फिर से टेबल पे आ रहा है। आप टेबल पे आने के बाद में फिर बोलता है कि सर ये लीजिए क्यूआर कोड, आप इसको स्कैन कीजिए और अमाउंट जो दिख रही है वो 370 जो भी अमाउंट रहेगी बिलिंग की वो अमाउंट आप डाल दीजिए। तो फिर वो कस्टमर करता है स्कैन और स्कैन करने के बाद में फिर डालता है अमाउंट। अब कस्टमर अमाउंट डालने के बाद में पेमेंट करता है, पेमेंट करने के बाद कस्टमर, अब कस्टमर पेमेंट करता है क्यूआर कोड को स्कैन करके। जैसे ही पेमेंट करता है तो कस्टमर कहता है वेटर को, सर मैंने पेमेंट करवा दिया, वेटर साहब मैंने पेमेंट करवा दिया। अब वेटर सर क्या करते हैं, फिर से जाते हैं काउंटर पे कि सर पेमेंट आया कि नहीं चेक करते हैं, फिर पेमेंट आया कि नहीं, फिर वहां से आते हैं टेबल के ऊपर और कहते हैं कि सर पेमेंट आ गया है। मतलब आप सोचिए आपका वेटर काउंटर से टेबल तक कितने बार चक्कर मार रहा है। अगर आप TML सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर हम लोग एक USP दे रहे हैं, उस USP का नाम है UPI इंटीग्रेशन, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारा जो सॉफ्टवेयर का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हमारे सॉफ्टवेयर की जो खासियत है उसमें से एक खासियत हमारी क्या है, UPI इंटीग्रेशन है। अब ये UPI इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे आप देखिए QR कोड, ये QR कोड किसका आ रहा है, आपका जो काउंटर पर लगा हुआ QR कोड है ना सर, वही QR कोड आ रहा है हर बिल के ऊपर। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को आप स्कैन करके देखिए QR कोड को, क्या हो रहा है 370 अमाउंट ही स्कैन होकर आएगी। आ गई, कर लिया स्कैन, कर लीजिए। अब QR कोड को स्कैन करने के बाद 370 ही अमाउंट आई है और जैसे ही कस्टमर पे के ऊपर क्लिक करता है तो वो अमाउंट चले जाएंगी किसको, आपके जो काउंटर पे बैठा है कंफर्मेशन के लिए वहां पे चली जाएंगी। अब हो क्या रहा है, यहां पे जैसे कस्टमर QR कोड को स्कैन करता है तो वो अमाउंट एडिटेबल नहीं है सर, अमाउंट एडिटेबल है कि यहां पे नहीं है। अगर यहां पे 370.50 पैसा भी होता तभी वो QR कोड आपको 370.50 पैसा बताता और वो अमाउंट एडिटेबल नहीं होती। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे आपके वेटर को काउंटर पे बार बार चक्कर मारने की जरूरत नहीं है, आपके हर एक बिल के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, QR कोड प्रिंट हो जाएगा। कौन सा QR कोड प्रिंट हो जाएगा, जो आपका एग्जिस्टिंग QR कोड है वो हम लोग आपके एग्जिस्टिंग QR कोड को TML सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करवा देंगे, जो UPI इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। तो हर बिल के ऊपर आपका जो करंट अकाउंट का QR कोड है या फिर पर्सनलाइज QR कोड है, अगर पर्सनल अकाउंट पे आपको पेमेंट लेना है तो हर अकाउंट का एक UPI ID होता है, वो UPI ID आपको क्या करना है, बस सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, यहाँ पे बैक ऑफिस के अंदर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है आपका जो भी बैक ऑफिस रहेगा, या फिर अगर आपने TML का सॉफ्टवेयर नहीं लिया है तो आपको हमारे ओर से यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वहां पे आपको अटलांटिक पॉज में जाना है, आउटलेट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहां पे आपको जाना है आउटलेट्स और यहां पे आपको दिखाई देगा बिल प्रीव्यू, यहां पे आपको दिखाई देगा UPI ID। बस आपको यहां पे UPI ID क्या करना है, आपका एंटर करना है शो UPI QR कोड ऑन बिल, इसको इनेबल करना है, अपडेट कर देना है।
और उसके बाद में आपको लॉग आउट करके सॉफ्टवेयर को लॉग इन करना है। ये आपको यूपीआई आईडी यहाँ पे दिखाई देंगे। बस आपको यूपीआई आईडी आपके बैक ऑफिस के अकाउंट के अंदर अपडेट कर देना है, और जैसे आप बिल फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर से जनरेट करोगे तो हर बिल के ऊपर उसी यूपीआई आईडी का यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा और कस्टमर उसको स्कैन करके अमाउंट पे कर सकता है। आप खुद सोचिए, आपके रेस्टोरेंट के अंदर अगर काउंटर के ऊपर भीड़ होती है पेमेंट करने के लिए, कोई कस्टमर 1000 का बिल है उसको 100 रुपीज करवा देता है सर, और उसको मैन्युअली एंटर करना पड़ता है, काउंटर पे आगे करना पड़ता है, वो करने की जरूरत ही नहीं है। आपका वेटर जब बिल निकाल रहा है वही बिल कस्टमर को दे रहा है, वहां से कस्टमर स्कैन कर रहा है और उसको कंफर्मेशन भी आ जा रहा है आपको काउंटर पे। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है, आपके रेस्टोरेंट के अंदर TML सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर आप एक TML सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो ये हमारा USP है। तो इस तरीके से आप TML सॉफ्टवेयर का यूज करके आपका रेस्टोरेंट इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, इफेक्टिवली कस्टमर के पास से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे कहने जा रहा हूं और हर वीडियो के अंदर मैं ये बात कहता हूं, अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो तो सर आपको सबसे पहले रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत है। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर 8 साल से है सर, बहुत सारे रेस्टोरेंट फेल होते हैं और फेल होने के रीजन ये होते हैं कि वो अपना रेस्टोरेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, पेमेंट इफेक्टिव तरीके से कलेक्ट कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाते, कैश फ्लो को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते, एक्सपेंस को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन नहीं कर पाते, आपके रेस्टोरेंट के अंदर कौन सा आइटम चल रहा है उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता है। तो मैं आपसे यहां पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भले आप TML का सॉफ्टवेयर लो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर लो, बट अगर आपने कंप्लीट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन आपके रेस्टोरेंट के अंदर लगा दिया तो आप एक इफेक्टिव तरीके से आपका रेस्टोरेंट चला सकते हो, आप ऑटो पायलट मोड के अंदर आपका रेस्टोरेंट चला सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग मिलेंगी। और सर ये जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो कंप्लीट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये आपकी एक्सपेंसेस नहीं है सर, आप इंटीरियर के लिए, आपकी किचन सेटअप के लिए, आप मार्केटिंग के लिए, आप इंप्लॉय के लिए लैक्स ऑफ रुपीज खर्चा कर देते हो सर, बट जब सॉफ्टवेयर लेने की बात आती है तो आप कहते हो कि सर ये तो एक्सपेंसेस हो गया। सर ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है सर, ये आपको प्रॉपर तरीके से आपका रेस्टोरेंट चलाने के लिए हेल्प करेगा। तो आप एक कंप्लीट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लीजिए। अगर आपको TML सॉफ्टवेयर लेना है तो आप हमारे वेबसाइट को जाकर भी विजिट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है tml.com। इस तरीके की वीडियोस हम लोगों ने हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की है, आप वहां पे वीडियो जाकर देख सकते हो, इन डिटेल रिसर्च कर सकते हो TML के बारे में और किस तरीके से TML सॉफ्टवेयर आपके रेस्टोरेंट को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, ऑपरेशन इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। प्लीज यहां के वीडियोस को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।